विभिन्न विभागों के जितनी आवश्यकताएं होती हैं वो कोटेशन या टेंडर के माध्यम से चीज़ें परचेज करते हैं, तो उसका हाई पावर परचेज कमेटी में आज जो हमने फैसला किया, लगभग 250 करोड़ रुपए के ऐसे विभिन्न विभागों के, जिसमें पावर डिपार्टमेंट का भी था, कॉरपोरेशन, शुगर मिलों के लिए कुछ चीज़ें खरीदनी थी, एनिमल हस्बेंड्री की इस नाते से कुछ विषय आए थे, तो अलग अलग विभागों के सारे विषय थे और आज वो सारे कंप्लीट हुए हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि बड़ौदा में हम हार कर भी जीते हैं और उसका सीधा संकेत मेरा यह है कि आज तक हमें उस सीट पर किसी भी चुनाव में, चाहे विधानसभा का रहा हो चाहे लोकसभा का रहा हो, 50,000 से पार कभी वोट नहीं मिले थे। इस बार 50,000 से ज़्यादा हमको वोट मिले हैं, जबकि कांग्रेस जीतने के बाद भी 6,000 वोट उन्होंने पिछले चुनाव से लूज़ किए हैं। तो उस नाते से सीट में ठीक है उनको, क्योंकि वोट टोटल मिला के ज़्यादा हैं तो सीट उनको मिलनी थी। परंपरागत ये कहा जा सकता है कि लगातार उनकी सीट जीतते आ रहे हैं, चौथी बार वो जीते हैं, लेकिन जैसे मार्जिन कम हुआ है उसमें हमारा कार्यकर्ता, हमारी पार्टी वो पूरे उत्साह में है कि हमने हर बार से जितने वोट आते हैं सबसे ज़्यादा इस बार 50 से ज़्यादा वोट लिए हैं, इसलिए हमें जीत है। हमारे जो विधायक बने हैं इंदुराज नरवाल, उनको मैं बधाई देता हूँ और अभी विधानसभा में आएंगे। मिली जुली बातें कही जा सकती हैं, बहुत से लोगों ने विकास को भी ध्यान में रखा है, क्योंकि विकास के नाते से अगर हमारा वोट बढ़ा है तो हमारे पास तो कोई और बात नहीं थी, केवल विकास की बात हमने कही। लेकिन जो पोलराइजेशन की बात समय समय पर आती है वो हुई है, लेकिन बहुत कम हुई है, घटी है, पहले की अपेक्षा घटी है। अगर उसी पोलराइजेशन के हिसाब से वोट डलते तो शायद अंतर बहुत ज़्यादा होता, नहीं अगर पूरा मिलता तो हमारे वोट 80,000 के आसपास हो जाते, 70-75,000 के आसपास हो जाते। तो स्वाभाविक है कि जब थोड़ी बहुत पोलराइजेशन होती है तो वोट इधर से उधर जाते हैं, क्योंकि अब एक पार्टी जिनको पूरे वोट मिलते हैं बाद में उनके कहने पर सब ट्रांसफर होते हैं, ऐसे कभी भी नहीं होता, ना किसी कैंडिडेट के कहने पर होते हैं ना पार्टी के कहने पर होते हैं। कुछ लाभ जरूर मिलता है, पिछली बार हमको 37,000 वोट मिले थे, इस बार 50-55,000 मिले हैं, आखिर दूसरी पार्टियों के जो वोट है वो हमारे पास आए हैं। अब एग्जिट पोल वाला प्रश्न तो मैं आपको करूँगा, आप उसका उत्तर दें और जो वास्तव में जो हुआ है उसका उत्तर मैं दे देता हूँ, क्योंकि एग्जिट को जो पोल आता है वो आपके भाइयों द्वारा किया जाता है। मैं तो बता रहा हूँ एग्जिट पोल तो आपके भाइयों के द्वारा किया जाता है, अब उनको बार बार सोचना पड़ेगा कि हाँ एग्जिट पोल में कैसे थोड़ा सा नज़दीक लाया जाए वास्तविकता के, ये आपका करने का काम है, आप करिए। बाकी विकास के नाते या देश में एक विचारधारा का जो परिवर्तन हो रहा है उसमें भारतीय जनता पार्टी को बिहार का जो शासन करने का एक मौका मिल रहा है, हमारा जो NDA है तो चौथी बार NDA की ये सरकार बन रही है, और न केवल बिहार में बल्कि बाकी प्रदेशों में भी भारतीय जनता पार्टी को अच्छा लीड मिली है, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, चाहे वो गुजरात हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, कर्नाटक हो, इन सब स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ने का मौका मिला। देखिए, हमने कभी भी भेदभाव ना पहले किया ना आगे करेंगे, जो हमने घोषणा की है वो भी सारे काम पूरे होंगे, और अभी भी वहाँ के जो विधायक हमारे पास काम लेके आएंगे तो निश्चित रूप से कराएंगे, लेके आना ही उनका काम है, अगर वो न लेकर के आए तो उसमें हमारा कोई दोष नहीं है। कोई प्रभाव नहीं था, लगातार मैं घूमता रहा हूँ और किसानों के बीच में गया हूँ, और ये जिस प्रकार के चैलेंज करते थे गांव में आ जाए घूम के दिखाएं ये करें वो करें, हमारे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, दर्जनों हमारे नेता सब गाँव में जाते रहे हैं, और किसी प्रकार का गाँव में अंदर कोई विरोध था ऐसा कुछ नहीं है। केवल इन्होंने हुआ जो छोड़ा हुआ था भूत, वो भूत इनका कामयाब नहीं हुआ, और वे भूल जाएं कि हाँ भी किसानों ने इनके कहने पर कोई बहुत बड़ा विषय को हमारा विरोध किया हुआ ऐसा नहीं है। वो तो एक स्वाभाविक जैसे राजनीति प्रक्रिया होती है, उसमें से हमको 10,000 वोट कम मिले हैं उसको हम स्वीकार करते हैं। देखिए, हमने अपनी ओर से वो फैसला किया था, पहले कभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, लेकिन अब वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए NGT का आखिर एक जो डायरेक्शन होती है, वो अथॉरिटी है, तो पोल्यूशन में उनकी अथॉरिटी है, उसी का प्रभाव रहेगा, और कुल मिलाकर के जनता को भी सहयोग करना चाहिए कि प्रदूषण कम से कम हो, लोग ज़्यादा ज़्यादा दीपावली को ई ग्रीटिंग के नाते से मनाएं, दीवे जो हैं सामान्यतः मिट्टी के बने हुए जो दीपक हैं उनको जलाना चाहिए, रोशनी करनी चाहिए, और क्रैकर भी अगर कोई जिन इलाकों में छोड़ने की परमिशन भी है वहाँ भी ग्रीन पटाखे हैं वही छोड़े जाएंगे, तो इस प्रकार का